हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, रेयर मेटल फाउंड इन सतलज सैंड, तो ये जो सतलज रिवर है आपकी पंजाब में, उसमें एक रेयर मेटल मिला है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है टेंटलम। टेंटलम, व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर? अ टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर हैज़ फाउंड द प्रेजेंस ऑफ टेंटलम। तो टेंटलम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अ रेयर मेटल इन द सतलज रिवर सैंड इन पंजाब। द डिस्कवरी हैज बीन मेड बाय अ टीम हेडेड बाय डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन। तो रेशमी सेबेस्टियन ये टीम को हेड कर रही थी, लीड कर रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर एट दी इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, द प्रेजेंस ऑफ टेंटलम इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली फॉर पंजाब बट ऑल्सो इंडिया, एज अ मेटल इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और सेमीकंडक्टर में ये मेटल यूज होता है। द मेटल, क्या है ये मेटल? टेंटलम। टेंटलम इज अ रेयर मेटल विद द एटॉमिक नंबर 73, द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। इट्स ग्रे, हैवी, वेरी हार्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट करोजन रेजिस्टेंट मेटल इन यूज टूडे। तो मतलब इसका करोजिव नेचर नहीं है, ये करोजन नहीं होता इसके ऊपर। इट पोजेसेस हाई करोजन रेजिस्टेंस, बस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर दैट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमूव। इवन व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग एंड हॉट एसिड एनवायरमेंट्स। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड एनवायरमेंट में भी रहेगा तब भी ये करोड नहीं होगा। व्हेन प्योर टेंटलम इज डक्टाइल, मीन कैन बी स्ट्रेच्ड वायर और थ्रेड विदाउट ब्रेकिंग, मोर ओवर इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इम्यून टू केमिकल अटैक्स एट टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। तो 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे इस पे केमिकल अटैक्स भी नहीं होगा। एंड इज अटैक्ड ओनली बाय हाइड्रोफ्लिक एसिड, एसिडिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग द फ्लोराइड आयन एंड फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। नोटेबली, टेंटलम ऑल्सो हैज एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सीडिंग ओनली बाय टंगस्टन और रेनियम। तो बस टंगस्टन और रेनियम इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, थर्ड नंबर पर टेंटलम ही आता है आपका। क्या है ये डिस्कवरी? टेंटलम वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड्रिस गुस्टल एकेनबर्ग, अ स्वीडिश केमिस्ट इन 1802, मिनरल ऑब्टेनिंग फ्रॉम येटर बाय स्वीडन। इनिशियली वॉज थॉट एकेनबर्ग हैड फाउंड ओनली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ नियोबियम, एन एलिमेंट दैट इज केमिकली सिमिलर टू टेंटलम। दिस इशू वॉज सेटल्ड इन 1866 वेन जीन चार्ल्स गालिसार्ड, तो ये इनका नाम है, अ स्विस केमिस्ट प्रूव टेंटलम एंड नियोबियम वर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इन्होंने फाउंड कर लिया था। आप देखिए, 1802 में ये फाउंड हो गया, पर इसको इसको मिसअंडरस्टूड किया गया नियोबियम से, क्योंकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम है। फिर 1866 में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने नियोबियम और टेंटलम के बीच में डिफरेंस बता दिया। तो वो पता होगा कि भाई ये नया एलिमेंट ही फाउंड हुआ था उस टाइम पे। द नेम, नाम कहाँ से आया? अ रेयर मेटल हैज बीन नेम्ड आफ्टर ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर टेंटलस, अ रिच बट विकेड किंग ऑफ अ टाउन अबव माउंट सिप्स इन एंटोलिया। टेंटलस इज बेस्ट नोन फॉर द टेरिबल पनिशमेंट द रिसीव्ड फ्रॉम जियस आफ्टर ट्राइड टू सर्व हिज सन एट अ फीस्ट विद द गॉड्स। द किंग वाज बैनिश्ड टू द अंडरवर्ल्ड वेर ही फॉरएवर स्टूड इन अ पूल ऑफ वाटर विद क्लस्टर ऑफ फ्रेश फ्रूट हैंगिंग ओवरहेड। व्हेन ही ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर इट रिसेड, व्हेनेवर ही ट्राइड टू पिक द फ्रूट द ब्रांचेस ड्रिप बैक। दिस नेम वाज सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ टेंटलम इन एसिड्स। दस
when placed in the midst of acids, it is incapable of taking any of them. The US Department, तो इन्होंने इस राजा के नाम के ऊपर, टेंटलस के नाम के ऊपर इसका टेंटलम का नाम रखा है. यूजेस क्या है इसके? टेंटलम इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. द कैपेसिटर मेड फ्रॉम टेंटलम आर कैपेबल ऑफ स्टोर मोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉलर साइजेस विदाउट मच लीकेज कंपेयर्ड टू एनी अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर. दिस मेक्स देम आइडियल फॉर यूज इन portable electronic devices such as smartphone, laptops, digital cameras. As tantalum has a high melting point, it is frequently used as a substitute for platinum, which is more costly. तो platinum हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा महंगा आता है, तो उसका substitute भी use कर सकते हैं इसको. The rare metal also used to make components of chemical plants, nuclear power plants, aeroplanes and missiles. Tantalum does not react with bodily fluids, which is used to make surgical equipments and implants like artificial joints, according to US Department of Energy. A composite consisting of tantalum carbide TAC, a graphite, is one of the hardest material known and is used on the cutting edges of high speed machine tool, it added. तो ये हमने देख लिया, टेंटलम मिला है, टेंटलम का क्या यूज़ है. एक बार चलिए समरी देख लेते हैं कि पता रहे हमें हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए. सबसे पहले टेंटलम, ठीक है, इसका हमें एटॉमिक नंबर देखा, 74 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन वन एटम ऑफ एलिमेंट. तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है. अब कहाँ पे मिला है, सतलज रिवर पे मिला है, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है. और कौन इसको टीम फाइंड किया है, आईआईटी रोपर की टीम, ठीक है. इसके बाद से क्या ये सिर्फ पंजाब के लिए बेनिफिशियल है, नहीं, पूरा इंडिया इसका बेनिफिट उठा सकता है. ये तो एक चीज हो गया, ये हमने ये पे देख लिया, ये देख लिया. अब आप देखिए इसके हम देख लेते हैं टेंटलम के, ये रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ वगैरह, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है. डक्टाइल है, मतलब इसको थोड़े से आप जब मारोगे तो ये बॉल पतला सा शीट बन जाएगा, ठीक है. शीट बनने के बाद उसको मतलब पतला हो जाएगा, जैसे गोल्ड होता है पतला पतला शीट होता है, वैसा हो जाएगा. और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ड्रॉन इन टू अ थिन वायर, ये आपका डक्टाइल का ही मीनिंग है, ठीक है. कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम केमिकल अटैक, तो इसके ऊपर केमिकल अटैक नहीं होगा, केमिकल अटैक नहीं होगा. कब तक, 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे में केमिकल अटैक नहीं होगा. अगर इसको बनना है, ये अटैक होगा तो किससे, बस अगर ये अटैक होता है तो किससे होगा, बस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से होगा, ठीक है. या तो ये होगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड से होगा, या तो फ्लोराइड आयन से होगा. ये चीज़ हमने देख लिया, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट देख लिया. तो और इससे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बस टंगस्टन का है, जो आपके बल्ब में लगता है, ठीक है. ये जो टंगस्टन लगता है, बस उससे कम है, और आपके ये आपके रेनियम से कम है, बाकी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. अभी डिस्कवरी हुआ था, आप देखिए 1802 में हुआ था, तो इसको नियोबियम से मिसअंडरस्टूड किया गया. फिर 1866 में जब नियोबियम और उसके बीच में डिफरेंस पता चला, तो इसका नाम टंगस्टन रखा गया. टंगस्टन, अरे टंगस्टन कह रहा हूँ, टेंटलम रखा गया. टेंटलम किसके नाम पर रखा गया, ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर टेंटलस के नाम पर रखा गया. क्यों ऐसा रखा गया, क्योंकि वो जो है इनसॉल्यूबल टेंटलम इन एसिड, तो ये एसिड में मिलता नहीं है, यहाँ पे केमिकल अटैक नहीं होता है, तो रिएक्ट नहीं होता है, तो मतलब एसिड में मिलता नहीं है ये, ठीक है. उसके बाद से आप देखिए क्या है, जब एसिड के बीच रखे तो उससे कुछ ये लेगा, रिएक्ट नहीं करेगा. प्रोमिनेंट यूज इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है, आप देखिए यूज है. उसके बाद से स्मॉल साइज मच ये सब कुछ नहीं है इसमें, तो लैपटॉप फोन्स, ठीक है. यहाँ पे एक बार लिख लेते इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर,
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ठीक है। उसके बाद से बॉडी लिक्विड्स, मतलब हमारी बॉडी में अगर जो भी फ्लूइड्स है ये उससे रिएक्ट नहीं करता है तो इसको मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे उनके जो सीजर्स हो गए या जो भी सर्जरी वाले चीज हो गए, या मानिए जॉइंट जो प्लेट्स लगते हैं, नी प्लेट्स लगते हैं, या बॉडी में जो प्लेट्स लगते हैं बोन के टूटने पे, वो सारी चीज़ें, रॉड्स लगते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स इससे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पता है रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये रहा बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो ये सब्स्टिट्यूट किसका हो जाता है, प्लेटिनियम का, तो उसका सब्स्टिट्यूट है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत महंगा है। और कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ टेंटलम कार्बाइड, टीएसी जो है, एंड ग्रेफाइट, तो टीएसी जो है वो कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ टेंटलम, ये बहुत हार्ड है लाइक ग्रेफाइट। बस इतना ही था इस आर्टिकल में हमारे लिए लिखने का। पूरा आर्टिकल हमने अच्छे से कवर किया है। एंड्रेस गुस्ताफ, ये नाम आप याद रखिए, इन्होंने फाइंड किया था। और ये जो थे चार्ल्स गेसेल दे मार्जिन, ये स्विट्जरलैंड में ही इसका सारा, स्विस और स्वीडन, इन दो जगह ये फाइंड हुआ था, पहले कभी हुई थी। और तो इसमें कुछ ऐसा हमने पूरा आर्टिकल थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड, टेंटलम की ध्यान दो, ये रेयर अर्थ मेटल है, पक्का से एग्जाम में आने के है, बहुत टॉपिक है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।